याद रखना चाहिए कि मेरे संस्कार के लिए मुझे देवता बनना है, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, लेकिन संस्कार कौन से है? ऐसे संस्कार लेकर के आप स्वर्ग में जा सकेंगे? पूछना है ना। इसलिए कहा संस्कार दो का, एक हॉल में आते ही चप्पल पहन के हॉल में नहीं बैठते हो, जैसे चप्पल बाहर छोड़ते हो अंदर घुसते जब पहले देखना मोबाइल को स्विच ऑफ, नहीं तो मोबाइल लेके नहीं आना, यहाँ कोई मोबाइल का काम नहीं है। हाँ सर पहले बता क्या ना, मैं 1 बजे घर में आऊंगी, उसके पहले नहीं, मैं इधर जा रही हूँ। बच्चा स्कूल में गया मोबाइल लेके जाएगा नहीं, 12-1 बजे आएगा। स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, मोबाइल का कोई काम नहीं, ये भी पढ़ाई स्कूल है। घर में बता क्या आओ कि मैं 1 बजे आऊंगी, तो उसके पहले फोन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी का फोन आता है तो घर में आएगा, 1 बजे के बाद जाके फोन देख लो, है ना। तो फोन की जरूरत नहीं है यार, तो दूसरों को कहना नहीं पड़े। नहीं तो आज की दुनिया में साइंस ने आपको साधन दिया, उसकी मर्यादा भी है, कहां यूज करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए, है ना। अगर मर्यादा पूर्वक यूज नहीं करते हो तो आसवाय संस्कार होंगे ना। बहन जी को बार बार अनाउंसमेंट करना पड़ता है, माता है मोबाइल बंद करो, दूसरों पर नजर करके, अरे एक सब लोग देखते रहेंगे, सबका अटेंशन मैंने डाइवर्ट कर दिया, सबका ध्यान मैंने तोड़ दिया, है ना। उसका भी पाप बनता है। जो आए इतने मेहनत करके ध्यान से मैं सुनूं, किसका मोबाइल बंद कर इधर देखने लगे, तो उन सबका मैंने ध्यान तोड़ा, चलेगा? ये मर्यादा याद रखना। दूसरा, कभी भी टोली देते हैं, मिलते हो एक लाइन लाइन से आओ, एक के बाद कितनी भी करके धीरज रखना सीखो, ये दैवी गुण है। अगर ये संस्कार लेके आप सत्य में जाएंगे तो चलेगा? गेट वाला छोड़ेगा अंदर? वहां भी कहेंगे भीड़, मुझे पहले जाना है। अरे वो कहेंगे कितना दफा उधर जाएंगे, भीड़ करेंगे, सत्य के लायक नहीं, त्रेता युग में आ जाओ, दरवाजे बंद करेंगे। हाँ तो ऐसा होगा ना, तो इसलिए दरवाजा सत्य का दरवाजा बंद ना हो आपको देखकर, हाँ, खुला स्वागत करना चाहिए, इंद्र देव का स्वागत है, बच्चे आओ। तो मर्यादा जरूर चाहिए। तो वो कब आएंगे? अभी हमारे अंदर संस्कार बने हैं, आपका दोष नहीं किसी का, संस्कार काम करता है। जैसे किसी को आदत बनी चाय पीने की, चाय नहीं मिली सिर दर्द, कब जन्म दे चाय पी के आए थे क्या? बाद में सीखा है ना, जन्म दे तो नहीं है, ये बाद में डाले हुए संस्कार। तब बाबा कहते बच्चे बाद में जो संस्कार डाले हैं उसको मिटाओ, सत्युग से परमधाम से जो संस्कार लेके आए थे, है ना, अनादि संस्कार, दैवी संस्कार, पवित्र थे, स्वच्छ थे, शांत थे, ऐसे संस्कार अनादि संस्कार रहे तो उसको मिटाना नहीं। कौन से दाग मिटाओ? जो यहां आने के बाद चाय के गड़बड़ी करने की, हाँ, झूठ बोलने की, गलत सफाई नहीं, गंदगी, ये संस्कार करीब के इसको मिटा दो। इसको थोड़ा ले जाना चाहिए, थोड़ा तो लेना चाहिए। हाँ भाई जी क्या करो, संस्कार मिटता ही नहीं है, तो थोड़ा रहेगा तो चलेगा ना? नहीं नहीं रहेगा तो मिटा देंगे? ऐसे मिटा देंगे बताओ? आप कहेंगे भाई जी 10 साबुन लगाए दाग जाता ही नहीं है, तो क्या करेंगे बताओ? 10 साबुन लगाया, माता जी ने कहा ये साबुन लगाओ, इन्होंने कहा ये साबुन लगाओ, सब लगाया, ये दाग मिटता ही नहीं। तो उपाय बताओ, कुछ कुछ उपाय है? हाँ देखो माता जी कितना होशियार है, तब बाबा ने माताओं के पर ज्ञान का कर सकता, अभ्यास। माता जी ने क्या सुनाया पता है? अभ्यास से परिवर्तन होता है। जैसे कुएं के ऊपर पत्थर डालते हैं और रस्सी से पानी निकालते हैं, क्या रस्सी से पत्थर काट सकते हैं क्या? कटता तो है ना, है ना। रोज अभ्यास, रोज पानी निकालते निकलते 5-10 साल के बाद पत्थर भी कट जाता है। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही पुरानी आदत मिट जाती है। तो अभ्यास क्या? बार बार अपने को पढ़ाओ, बार बार सिखाओ। मुझे इनको देखते ये विचार क्यों आ रहा है, क्यों करता हूं मैं, ये कौन है, इनसे मुझे क्या मिलेगा, अरे ये खराब, ऐसे नहीं वो खराब नहीं, मेरा मन खराब, उनको परिवर्तन नहीं करो। हाँ माता जी क्या बोलते हैं? मन भागा
मन घोड़ा का, घोड़े पर कोई बैठा है ना तो बुद्धि पकड़, अरे ऐसा नहीं सोचो, ऐसा नहीं सोचो, ये विचार क्यों आया, ऐसे नहीं बोला ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है, मेरा तकदीरी ऐसी है, मेरा भाग्य ऐसा, ये रोना हो गया। भगवान के बच्चे होकर के रोते हो? नहीं, भगवान मालिक मिले, डायरेक्टर बैठा है इधर, आपको चिंता क्या है? बाबा को बता, बाबा आप कहते हो ऐसा नहीं सोचो, लेकिन बार बार ये गलत विचार आता है, क्या करूं आप बताओ? बच्चे मैं बैठा है ना, मैं सिखाऊंगा, रोज मुरली सुनाऊंगा,